हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मैडी स्टडीज। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम ओडीई बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 3 दे दी है। लेक्चर 1 के अंदर बेसिक्स हुआ था, लेक्चर 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हुई थी, जिसके रिजल्ट्स ही हम आज क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हम उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, उसी थ्योरम का हमें यहाँ पे रिलेट करना है। हमारा मेन क्या है कि कोई भी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कब होगी, हम एग्जैक्ट की कंडीशन अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रूफ करो कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है dx प्लस ndy इक्वल्स टू जीरो, वो बोलेंगे इस इक्वेशन को प्रूव करो कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। कर्ली एम अपॉन कर्ली y इक्वल टू कर्ली n अपॉन कर्ली x, इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम जो इक्वेशन है उसको क्या बोल देते हैं कि जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। फिर क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा इसी इक्वेशन का। सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन बताने के लिए वो इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी उसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं नॉर्मल के सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे, वहां पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहां पे वाई होगा जो वो कॉन्स्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई जो कि एक्स को कंटेन नहीं करता होगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, और n की वैल्यू वो वाली रख देंगे जिसमें x नहीं होगा, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी इस इक्वेशन का हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं इसमें आगे आगे हम किस तरीके से फर्दर करेंगे इसको। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 1, जो कि क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा assuming that the differential equation is exact। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जो इस इक्वेशन में ये है अल्फा, ये बोल रखा है कि इस तरीके से assume करते हुए अल्फा की वैल्यू निकालो कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट की जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स से जो वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हमारे उस इक्वेशन से कंपेयर करके देखते हैं, तो हमारी एम और एन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो होती थी एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर हम उस इक्वेशन से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव एम इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू जो डी एक्स के साथ है वो एम है, और जो डी वाई के साथ है वो एन है। तो एम जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड वी हैव n equals to 2 plus x cube y square plus x cube y। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, इसका मतलब जो कर्ली m अपॉन कर्ली y होगा और जो कर्ली n अपॉन कर्ली x होगा वो क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल। तो यहाँ से अगर हम y के स्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें तो 1 का 0 हो जाएगा, x square constant है तो as it is, y cube का क्या हो जाएगा 3y क्यूब का, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ गए और पावर में से 1 कम दैट इज 3y स्क्वायर। तो जो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, तो 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गई हमारी कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई की वैल्यू। अब हम कर्ली एम अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा पावर आगे 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पावर आगे, पावर में से 1 कम एंड 1। नाउ एज वी नो दैट कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो जो ये दोनों वैल्यू है वो इक्वल होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो जो कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई और कर्ली एम अपॉन कर्ली एक्स वो इक्वल होंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारी जो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो हम उनको करते हैं इक्वेट, जो कि पहले हम ये लिख रहे हैं 3x square y square plus 2 alpha x square y, फिर हम लिख रहे हैं इस वाली इक्वेशन को दैट इज 3x square y square plus 3x square y, इससे ही कैंसिल हो जाएगा हमारा कंप्लीट। देन वी हैव 2 alpha x square y equal to 3x square y, y से y कैंसिल, x square से x square कैंसिल,
क्या होगी 3/2। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2। नाउ गिव यू एग्जांपल नंबर 2 जो कि क्या कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ये है। अब इक्वेशन हम सॉल्व कब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले हम इसी जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे कि एग्जैक्टनेस प्रूफ करके दिखाएंगे और देन उसका कर देंगे सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आते ही जो क्लास में था वो डिस्कस करा था कि अगर सॉल्यूशन निकालना तो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को mdx प्लस ndy से अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू होगी वो होगी ये और जो n की वैल्यू होगी वो होगी ये। ओके तो स्पेस को बचाते हुए हम मान लेते कि हमने लिख लिया कि जो m की वैल्यू वो है ये और n की वैल्यू है ये। तो अगर m और n हमारे ये एग्जैक्टनेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्ली m अपॉन कर्ली y और कर्ली n अपॉन कर्ली x निकालना पड़ता है और जिनको हमें प्रूव करना होता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं तो हम जो m की वैल्यू वो यहाँ से उठाते हैं उसका वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव। अगर हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कॉन्स्टेंट का तो हो जाएगा जीरो प्लस e की पावर x एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y है तो वो होगा हमारे एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x हो गया कॉन्स्टेंट और ये क्या है 1/y और 1/y का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ मतलब ये है y की पावर -1। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ गई, पावर में से एक दैट इज -1/y² और क्योंकि x है ही तो x मल्टीप्लाई में होगा तो -x/y² इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया और कर लिया हम अपन कर ली y की जो हमारी वैल्यू वो ये आ गई। सो हमारे पास कर लिया हम अपन कर ली y क्या होगा -x/y² इनटू e की पावर x/y। सो नाउ वी हैव कर लिया ना अपन कर ली x की वैल्यू जो भी हमें निकालनी है कर लिया ना अपन कर ली x। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि हमारे फंक्शन क्या क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल की पावर x/y और इनटू में 1 - x/y। तो ये हम मान लेते फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसमें हम x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो मान लीजिए फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड को हम एज इट इज करते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में e की पावर x/y और क्योंकि हमें x/y का करना है तो x/y का जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/y और इनटू में ये एज इट इज तो 1 - x/y हो जाएगा। नाउ वी हैव प्लस, हमने क्या किया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब हम क्या करेंगे ये वाला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 तो हमारे पास आ जाएगा -1/y। यहाँ से हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर x/y ले लेंगे कॉमन, एक्सपोनेंशियल की पावर x/y हमने ले लिया कॉमन। जब हमने ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करो अंदर 1/y -x/y² -1/y इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया -x/y² इंटू e की पावर x/y। तो हमने देखा कि कर्ली n अपॉन कर्ली y की वैल्यू ये थी और कर्ली n अपॉन कर्ली x की वैल्यू ये है जो कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो कर्ली m अपॉन कर्ली y है वो किसके इक्वल है, कर्ली n अपॉन कर्ली x के और यही हमारी किस चीज़ की कंडीशन होती है एग्जैक्ट होने की। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट है। तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि इक्वेशन हमारी जो एग्जैक्ट है अब उसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एग्जैक्ट है, अब हम इसका बताएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किस तरीके से बताते हैं एम डी एक्स प्लस एन जो कि एक्स को कंटेन नहीं करता एंड दैट डजंट कंटेन एक्स ऐसा लिखना आपको डी वाई। यहाँ पर जो हमारा y होगा वो कॉन्स्टेंट होगा जब हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो y कॉन्स्टेंट हमें लेना है, m की वैल्यू पुट करो इधर 1+e एक्सपोनेंशियल की पावर x/y dx प्लस n की वो वाली वैल्यू लेनी है जिसके अंदर x ना हो। अब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इसके अंदर x है और ये मल्टीप्लाई में इसका
वाई होता बाई चांस, तो हम इस वाले को ले लेते क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरी क्वेश्चन में एक्स है इसलिए हमने जीरो ले लिया, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन या फिर ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जिसके अंदर हमें क्या करना पड़े, यहाँ पे लेना पड़े। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं वाई कॉन्स्टेंट है उसका, इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, वाई कॉन्स्टेंट होते हुए इसका हो जाएगा एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन वाई, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं नीचे डिफ्रेंशिएशन लेते तो वन अपॉन y, इंटीग्रेशन करते टाइम तो हम यहाँ पे y में लेते हैं इसकी वाली टर्म, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट में लेते हैं, जो कि हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो गई, प्लस में हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी जनरल इक्वेशन, c ले लो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज आवर सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3 जिसके अंदर बोला गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि सॉल्व करके दिखाना है, मतलब कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वही कर्लियम अपन कर्ली y इक्वल टू कर्ली n अपन कर्ली x को इक्वल करना पड़ेगा, कि मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, देन वी हैव टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि जो ये है वो किस चीज़ की वैल्यू है, m की वैल्यू है, और जो ये है वो है n की वैल्यू। जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है एम टी एक्स प्लस एन डी, यहाँ पे क्या होता है प्लस, इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की है कि प्लस माइनस ऑफ इस इक्वेशन का माइनस है ये। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारी एम की वैल्यू है वो क्या है और जो एन की वैल्यू है वो क्या है, सो दैट कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। तो एम की वैल्यू यहाँ पे हमारे है एक्स की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4, एन की वैल्यू है माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कर लिया ना कौन कर ली y, और यहाँ पे क्या निकालना है कर लिया ना कौन कर ली x। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे x की वैल्यू है तो वो हो जाएगी 0 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y 4xy प्लस 4y की क्यूब। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है तो हमारा माइनस y कॉन्स्टेंट होगा 2 कॉन्स्टेंट होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो 4xy। माइनस x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये बन हो जाएगा माइनस 4y क्यूब, और क्योंकि इसमें y x नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो as we can see कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे हो जाती है इक्वल। इसका मतलब कर लिया हम अपॉन कर ली y इक्वल टू कर लिया ना अपॉन कर ली x है, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाती है एग्जैक्ट, और अगर एग्जैक्ट हो गई तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एम डी एक्स जहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट है प्लस एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम x की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dx, y कॉन्स्टेंट लेना है यहाँ पे प्लस n जो कि x को कंटेन नहीं करता, इस इक्वेशन में x है, इस टर्म में x है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे साइन y dy विद माइनस। ओके, तो ये होगा, यहाँ पे y कॉन्स्टेंट ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर 5/5, यहाँ पे हो जाएगा x का डेरिवेटिव x को स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से वो वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। y कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अगर हमारा 1 होता है उसका डेरिवेटिव x होता है, अगर हमारा 2 हो तो उसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, अगर 1 हो तो उसका x। सिमिलर अगर हमारा यहाँ पे y की पावर 4 है इंटू 1 भी तो है, ये तो कॉन्स्टेंट है और
इसका हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस y की पावर 4 x। हमारा जो साइन y का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कोस y होगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा कोस y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, और यही हमारी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है।